हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 की अंक तालिका में टॉप पर पहुंचने के बाद दिल्ली कैपिटल्स का आगे का सफर मुश्किल भरा हो सकता है। टूर्नामेंट के 30वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान सुरेश अय्यर को चोटिल होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा। 14 अक्टूबर को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में फील्डिंग करते समय 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर जब बेन स्टोक ने एंड्रिक की गेंद पर शॉट लगाया, इस शॉट को बाउंड्री पर पहुंचने से रोकने की कोशिश में सुरेश अय्यर गिर गए। कप्तान अय्यर ने चौका तो रोक लिया, लेकिन इस दौरान उनका कंधा चोटिल हो गया। चोट के कारण कप्तान अय्यर को मैदान से बाहर जाना पड़ा। बाहर जाते समय वह काफ़ी दर्द में दिख रहे थे। ऐसे में अगर कप्तान अय्यर की यह चोट काफ़ी गंभीर हुई तो दिल्ली के लिए आगे का सफ़र काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है। बता दें कि दिल्ली की टीम इस IPL की शुरुआत से चोट का सामना कर रही है। अब तक उसके 5 खिलाड़ी जिसमें शामिल हैं रविचंद्र अश्विन, अमित मिश्रा, ईशान शर्मा, ऋषभ पंत और सुरेश अय्यर चोटिल हो चुके हैं। हालांकि रविचंद्र अश्विन ठीक हो गए हैं और टीम को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस चोट के चलते ईशान शर्मा टूर्नामेंट से ही बाहर हो चुके हैं, जबकि ऋषभ पंत एक हफ्ते के लिए बाहर हुए थे। अब देखना यह है कि कप्तान सुरेश अय्यर कितने मैचों के लिए बाहर होते हैं या अगले ही मैच में वापसी करते हैं। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें।